मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेसी नेता जनता की मूलभूत सुविधाओं और घोटालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर मच रहा अंतर्कलह, पटवारी पर उठ रहे सवाल, तो वहीं पार्टी के खिलाफ ही खुला पत्र जारी किए जाने पर पार्टी गई तेल लेने जैसे उपहास पर क्या है इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के विचार, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शताब्दी शर्मा के साथ। राजनीति के गलियारों में कांग्रेस का हल्ला बोल, अफवाहों पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कैसे लगाई लगाम, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से खास चर्चा, चौकसे ने कहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा इंदौर। सरकार बन चुकी है लेकिन सरकार से जनता खुश है या नाखुश ये विपक्ष ज्यादा अच्छे से बता सकता है क्योंकि विपक्ष जनता से रूबरू होता है। आज हमारे साथ इंदौर के कांग्रेस से चिंटू चौकसे हैं और साथ ही में सुरजीत चड्ढा जी हैं। खास बात ये है कि जनता के मुद्दों पर आज वो खास रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। क्या कहना चाहिए आज का जो मुद्दा था, सबसे पहले आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो मुद्दा क्या था? देखिए कि आज विषय ये है कि पूरे शहर की जनता कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। दो साल बनाम आदरणीय महापौर जी ने दो साल में पूरे इंदौर शहर को गर्त में डालने से लेकर इंदौर शहर को भ्रष्टाचार में अव्वल लाने से लेकर वो सारे नए नए आयाम कीर्तिमान स्थापित कर दिए जो इंदौर शहर को कलंकित जिन्होंने कलंकित किया। तो इस प्रकार आपने क्या इन्हें उसमें आप क्या और आप जन प्रतिनिधि जन भागीदारी किस प्रकार से करते? देखिए जिस तरह से इंदौर शहर में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला हुआ, मेरे ख्याल से देश के इतिहास में इस प्रकार का कोई मामला ही नहीं हुआ होगा। जब 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फर्जी बिल जिनकी कोई अते पते ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है, और उससे बड़ी बात ये हो गई कि 150 करोड़ रुपए में से मात्र 31 करोड़ रुपए की मूल फाइलें नगर निगम में हैं। आज की कंडीशन में लगभग 100-125 करोड़ रुपए की तो मूल फाइल ही आपके पास नहीं जिसका पेमेंट नगर निगम ठेकेदारों को कर चुकी है। कैसे संभव है कि इतने बड़े घोटाले को आप अंजाम दे पाओगे? जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया, उनको हम लंबे समय तक सलाखों के पीछे रख पाएंगे। उसी तरह से एक बहुत बड़ा घोटाला पोर्टल का कि इंदौर शहर की जनता किस तरह से परेशान हो रही है, संपत्ति कर को लेकर या भरने को लेकर या प्रमाण पत्र को लेकर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नगर निगम अव्यवस्थित चल रहा है पूरी तरीके से। अब फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सड़क निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ कि चुनिंदा चंद लाख रुपये की सड़क बनी और करोड़ों के बिल लग गए। ऐसे ही इंदौर शहर में जब से आदरणीय पुष्प मित्र भार्गव जी महापौर बने तब तक उनने नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश करी कि इंदौर शहर भ्रष्टाचार में कैसे नंबर वन आए, इंदौर शहर में गंदा पानी मिले उसमें नंबर वन कैसे आए, इंदौर शहर गड्ढे में तब्दील हो गया उसमें नंबर वन कैसे आए, इंदौर शहर में ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है उसमें नंबर वन कैसे आए, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे करे उसमें कैसे नंबर वन आए। ये सारे कीर्तिमान महापौर जी ने दो साल में स्थापित किए, इसी को लेकर ये पीसी थी। अब अगर बात करें जनता की तो इसमें अब जनता की आवाज़ आप कैसे उठाएंगे, क्योंकि सिर्फ पत्रकारों से बात करके तो आवाज़ को कानों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जनता के लिए जब जमीन पर खड़े रहना पड़ता है तो उसके लिए अब चिंटू जी क्या करने वाले? देखिए हम समय समय पर खाली आपसे बात नहीं करते, आपसे बात करने के अलावा लगातार हम लोग पिछले दिनों तो मुझे लगता है कि आंदोलन कर करके थक गए, हर दस दिन पंद्रह दिन में। और ये जो आज पीसी थी इसी को लेकर थी कि 6 अगस्त को हमारे प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस और पार्षद दल सम्मिलित रूप से एक बड़ा आंदोलन करना जा रहा है, और हम आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस निगम में भाजपा सरकार ने इंदौर शहर को कलंकित किया है, और जो शहर स्वच्छता में और काम करने को लेकर नंबर वन के लिए पहचाना जाता था आज वो शहर भ्रष्टाचार के लिए नंबर वन है। उसके लिए उसकी देश में पहचान ऐसी बन चुकी कि अगर आप घोटाले की बात करते हो तो इंदौर शहर की बात सबसे पहले आती है। नंबर वन की बात करें तो अभी नंबर वन एक बार फिर बन गए कि पौधारोपण में, अब उसको लेकर सुरजीत जी क्या कहेंगे, क्योंकि अभी आज ही की में उसे हमने देखा कि एक खुला पत्र भी मिला है कांग्रेस की ओर से कि कैलाश विजयवर्गीय जी के निमंत्रण को आमंत्रण पर किस प्रकार से स्वागत अभिनंदन किया गया, तो उस पर पार्टी के ही व्यक्ति के द्वारा पार्टी के ही लोगों पर नाराजगी को आप किस तरीके से देखते हैं? खास बात यह है कि जो हमारा एक भारतीय संस्कृति है उसको भी ध्यान में रखते हुए देखा गया है कुछ। देखिए निश्चित रूप से
भ्रष्टाचार परिवार में भी होता है, राजनीति में भी होता है, व्यापार में भी होता है, हर जगह एक शिष्टाचार होता है और वो शिष्टाचार को हमने निभाया है। अगर मेरे ऑफिस पर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं, वो खुद कह के आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उनका स्वागत करूं। मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को तक ये जानकारी दे दी थी और वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने अपना आमंत्रण दिया, हमने उनका आमंत्रण ले लिया। आज राहुल गांधी जी रोज कहते हैं कि अडानी अंबानी ने देश को बर्बाद कर दिया, पर अंबानी जी सोनिया गांधी जी को कार्ड देने घर गए और एक घंटा बैठे, तो वो शिष्टाचार था। कमलनाथ जी अंबानी जी के यहाँ शादी में राहुल जी नहीं गए, सोनिया जी नहीं गई। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी अंबानी जी के यहाँ शादी में गए, तो शिष्टाचार है। तो मैंने शिष्टाचार का निर्वाह किया है और जो लोग पार्टी के अंदर अनर्गल प्रचार करेंगे वो पार्टी से हटा भी दिए जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। पार्टी के वजन की बात करें तो इस चुनाव में हमने ये देखा कि पार्टी के कई लोग अदर पार्टी ने सरकार में शामिल हो गए हैं, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस अब अपनी लोगों की भर्ती करेंगी या फिर दमदार लोगों को आगे लाएगी, जो कि एक पार्टी के ही लोगों की एक नाराजगी रही थी कि आला कमान की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। देखिए ऐसा नहीं है, जो लोग गए हैं वो उनके व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ या कहीं ना कहीं अपनी संपत्तियों को बचाने के डर से गए हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगी और हमेशा जिंदा रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सड़कों पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर ये बता दिया है कि जनता के बीच में अपने विश्वास को बैठाना पड़ता है, जब विश्वास बैठ जाता है तो जनता आपके साथ हो जाती है। और आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो लोग आज कांग्रेस में वो असली कांग्रेस है, वो संघर्ष के लोग हैं और आने वाले समय में जब भी सरकारें बनेंगी तो इन्हीं लोगों को पदों से नवाजा जाएगा और आज भी इनको कांग्रेस में पद दिए जाएंगे, इन्हीं को ताकत दी जाएगी और इनकी ताकत के इस्तेमाल से ही कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चिंटू लगातार संघर्ष कर रहा है, शेयर कांग्रेस साथ में पूरा संघर्ष कर रही है, हर मुद्दे पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। हमारी कभी भी ये मंशा नहीं रही, मैं तो हार्ड कोर कांग्रेसी हूँ, मेरे पिता इस शहर में 1967 से कांग्रेस में पार्षद रहे, तो हम लोगों ने तो कांग्रेस को, हमारे पिता लोगों ने, कृपा शंकर शुक्ला जी ने, महेश जोशी जी ने, इन लोगों ने कांग्रेस को सींचा है, हमारे तो खून में कांग्रेस है, हमारी विचारधारा एक है और हम हमारी विचारधारा से कभी नहीं हिलेंगे। पार्टी सरकार के लोगों की एक बुनावटी की आमंत्रण दिया है लेकिन आए नहीं पौधारोपण में, एक इन्हें धरती माँ के लिए तो पौधा लगा दिया जा सकता था, इंदौर का नाम ऊंचा करने का, इंदौर के जिस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो उसमें कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई? जैसे शिष्टाचार आपने निमंत्रण स्वीकार करके किया, उसी प्रकार अब शिष्टाचार कहीं पर भी पौधा लगा देते, धरती माँ के लिए लगाना था। देखिए हमको इसके लिए किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ही नहीं, हम हमारा पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे। अभी राजीव जी का जन्म तिथि आ रही है और उससे हमारा पौधारोपण का एक कार्यक्रम बनता है, उसमें सेवा दल करती 21 अगस्त शायद मेरे को तारीख ध्यान है, और हमने हमारा पूरा प्रोग्राम बना रखा है, हम लोग वर्ष भर तक पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम उस दिन से वर्ष भर तक पौधे लगाएंगे और हमको कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। देखिए उन्होंने क्या किया वो उनका विषय है, हमको क्या करना है हमारा विषय है। तो आपको लगता है यूपी का परिवर्तन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, कमर कसी हुई है? 100% हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोग कुछ भी अनर्गल प्रचार करें, मुझसे ज्यादा मीडिया को दिक्कत रहती है, 6 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ, आज ये हो जाएगा कल ये हो जाएगा, तो ये जो पुड़िया बांटने वाले लोग रहते हैं ना, ये रोज पुड़िया बांटते हैं। पर मीडिया कहाँ पुड़िया बांटती, मीडिया में भी तो लोग ही हैं जो पुड़िया बांटने आते हैं कि ये हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं जब पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि फोन टेपिंग हो रही है, पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि अपनी विधानसभा नहीं संभाल पाए, पार्टी के लिए ये यहां तो विपक्ष तो बात ही नहीं कर रहा, सरकार बात नहीं कर रही, जब पार्टी में ही अंदर ही अंदर भीतर कलह को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा वर्कर मजबूत है, हमारे साथ है। हमारी कांग्रेस में क्या हो रहा है ये सबसे पहले नरेंद्र सलूजा जी बताते हैं, उनको का बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की चिंता है। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि ये चूर्ण बटता है ना, इसके हिसाब से आप मत चलिए,
कांग्रेस मजबूत थी, है और रहेगी। हम लोग विश्वास है पटवारी जी पे, पूरा 100% विश्वास है उस व्यक्ति ने जब राजनीति चालू की थी। लगभग मेरी भी राजनीति उनके आसपास ही रही है और वो व्यक्ति संघर्षशील आदमी है, बहुत नीचे से उठा हुआ व्यक्ति है। वो जब यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष थे, मैं उस टाइम यूथ कांग्रेस में था और लगातार मैं पार्षद रहा। वो पहला पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए पर वो विधानसभा जीते, फिर उसके बाद मंत्री बने, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय पदों पर चले गए। तो देखिए, उन्होंने संघर्ष से अपने आप को तराशा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग अनर्गल प्रचार करते हैं, हम लोग उनकी बातों में नहीं आते और हमको इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन तय है, हम सरकार का विरोध करेंगे, ताकत से करेंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। और ये विरोध दिख भी रहा है जिस प्रकार से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रख्यात चेहरे, चाहे चिंटू चोकसे जी हो, चाहे सुरजीत चड्ढा जी हो, ये हमारे साथ में थे और उन्होंने अपनी बात जो रखी है बखूबी जनता के समर्थन के लिए रखी है, कांग्रेस पार्टी के लिए रखी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ वो विश्वास रखते हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ शताब्दी शर्मा, राजीव टाइम्स, इंदौर।